हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। हम लोग रिलेशन में उसका डिफिनेशन, उसके सभी टाइप को हम लोगों ने सीखा था। उसमें बस एक और रिलेशन है, वह आज हम लोग फाइनल करेंगे। उसका नाम क्या है? तो आपका यह जो है, यह आपका बोलता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो बच्चे, ये तुम्हारा क्या होता है जी? तो कहता है कि मान लो कि कोई आपका रिलेशन सेट ए ऑन सेट ए डिफाइन हो, ठीक ना। अगर कोई आपका रिलेशन है आर, जो सेट ए से सेट ए में भाई क्या हो, डिफाइन हो, तो यह इक्विवेलेंस होता है कब? पहला, जब ये तुम्हारा क्या हो, तो रिफ्लेक्सिव हो। क्या भाई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो कि अगर कोई एलिमेंट ए सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो ए कामा ए, एटलीस्ट ए कामा ए रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। तुम्हारा ये क्या था? रिफ्लेक्सिव। सेकेंड भाई, तुम्हारा क्या होता है? सिमेट्री होना चाहिए, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि अगर आपका ए कामा बी आर्डर है ना, मान लो कि अगर आपका रिलेशन आर में आ रहा है, अगर ए कामा बी मतलब कि एक ऑर्डर पेयर ए कामा बी आर में है, तो यह सिमेट्रिक कब होता है? कि जब बी कामा ए भी तुम्हारा रिलेशन आर में हो। और थर्ड तुम्हारा भाई क्या होता है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो बच्चा, बोलता है कि अगर मान लो, मतलब कि देखो भाई, अगर कोई रिलेशन ए टू ए में डिफाइन है, तो यह ट्रांजिटिव कब होगा? कि तो मान लो कि अगर ए कामा बी रिलेशन आर में हो, बी कामा सी एंड बी कामा सी भी रिलेशन आर में हो, तो देखो चे, बी यहां बी यहां, बी तुम्हारा क्या हुआ? स्विच ऑफ, यानी यहां मुझे क्या मिल जाएगा? तो एक मुझे ऑर्डर पेयर ए कामा सी मिलेगा, और यह अगर रिलेशन आर में हो, तो यह रिलेशन आर तुम्हारा क्या होता है? ट्रांजिटिव। तो देखो, अगर ये तीनों तुम्हारे फॉलो होते हैं, अगर ये तीनों तुम्हारे किसी रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वह आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चे, यह था पूरा डीप स्टडी अबाउट व्हाट इज द रिलेशन एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक ना। तो मैंने आपको यह पढ़ाया, आई थिंक यह आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नाम है फंक्शन और उसके टाइप। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद।